हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवानी ऑलराउंडर। मैं शिवानी शर्मा आपका मेरे चैनल शिवानी ऑलराउंडर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम मैं एक रेसिपी की वीडियो लेके आई हूँ। वैसे मैं आपकी वीडियो लेके आती हूँ हमेशा, लेकिन आज मैं रेसिपी की लेके आई हूँ। हम टेस्टी नाश्ता स्नैक्स बनाने वाले हैं जो आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो आप उसके लिए आलू ले लीजिए, कुछ आलू ले लीजिए जितने आपको ज़रूरत है और उन्हें छिल दीजिए। जैसे कि मैं छिल चुकी हूँ, फिर मैं एक बाउल लूँगी, उसे पानी से धो दूँगी आलू को। जैसे कि मैं आलू धो रही हूँ, उसके बाद मैं आलू को काटूँगी छोटे छोटे स्लाइसेस पे। और जब तक मैं आलू काट रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट है तो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरी और सारी वीडियो ज़रूर देखना। वैसे ज़्यादातर आज पे है तो आपको अगर आपने इंटरेस्ट हो आप ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे कि मैं छोटे छोटे स्लाइसेस पर काट रही हूँ, काट चुकी हूँ, उन्हें पानी में रहने देते हैं। अब इसे साइड करके हम एक कढ़ाई का ले लेते हैं। छोटी सी कढ़ाई ले लीजिए मेरे पास से, आप बड़ी भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, तेल डाल के उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म हो रहा तब तक हम अपने आलू को पानी से निकाल के बाउल में रख देते हैं। तो मैंने बाउल में रख दिए हैं। तो अब तेल गर्म भी हो चुका है, अब इसे हम डालेंगे। पहले एक बारी का डालेंगे और उसके बाद दूसरी बारी का हम डालेंगे। और हमें इसे कम से कम 2 मिनट तक तक पकाना है, 3 या 5 मिनट तक पकाना है हमें। और जब तक पक ना जाए और इस पर गोल्डन लेयर ना आ जाए। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं और अब 5 मिनट तक का वेट करिए। जैसे कि 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा पक चुका है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ दो पीसेस। ये बहुत गर्म गर्म है तो मैं काट के दिखाती हूँ आपको वैसे कैसे कट गया ये देखिए। अब इसे आपको मैं पीस के दिखाती हूँ, देखिए दोनों पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी गोल्डन लेयर आने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो गोल्डन लेयर आ गई, अब धीरे धीरे हम अपने इनको निकाल लेंगे। इसे लेयर आ चुकी है, फिर आप दूसरी बार का भी डाल सकते हैं। तो अब आप ऐसे करके सारे निकाल लीजिए और आपको दूसरी बार के भी डाल लीजिए। मैंने पका लिए दोनों बारी के। और अब वैसे आप इसमें चाट मसाला सीधा डाल सकते हैं, लेकिन नमक और लाल मिर्च बहुत टेस्टी लगती है। पहले नमक डालिए फिर लाल मिर्च और इन्हें मिक्स कर लीजिए। वैसे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं सीधा। तो आप देखिए कैसे टेस्टी होगा। आप दूध के साथ खा सकते हैं, इसे रोटी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे स्नैक पर अच्छा लगता है चाय के साथ। ओके, आपको मेरी वीडियो लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।